इस बिल के समर्थन में अपनी बात कुछ चिंताओं के साथ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, न्यायालय में जाइए तो एक वाक्य लिखा रहता है, न्याय चला निर्धन से मिलने। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज न्यायाधीश दीपक गुप्ता जी का बयान यहां पे कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि कंट्रीज लॉज एंड लीगल सिस्टम्स फेवर द रिच एंड द पावरफुल। यानी हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था अमीर आदमी और ताकतवर आदमी को सपोर्ट करने के लिए। और अगर हम लोग आंकड़े देखेंगे मान्यवर, नीति आयोग की रिपोर्ट है 4.5 करोड़ केसेस हिंदुस्तान में पेंडिंग है न्यायालयों में, 4.5 करोड़ केसेस। और उनका अनुमान है कि अगर इन केसों का निराकरण करने में लग जाए न्यायालय तो 324 वर्ष लगेगा इन मामलों का निस्तारण करने में, इस पर फैसला देने। 73,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, 6,000 जज की पोस्ट खाली है, 50,000 लोगों पर एक जज है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय 33 न्यायाधीशों में एक एससी है, एक ओबीसी है, जिसकी चिंता यहां पे रामनाथ ठाकुर जी ने भी व्यक्त की। मान्यवर, मैं कुछ विशेष मामलों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आज जब हम लोग यहां पर पेंडिंग केसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें न्याय मिलने में इतना समय लग गया जो मुझे लगता है पूरी दुनिया में हम सब के लिए एक शर्म की बात होगी। बंगाल में दीपक जोशी नाम के एक व्यक्ति को 41 साल के बाद रिहा किया गया मान्यवर। आसाम में 3 साल तक मधुबाला दास के नाम पे मधुबाला मंडल को गिरफ्तार करके रखा गया, उसकी आइडेंटिटी गलत थी, 3 साल तक वो जेल में रहती। मान्यवर, बिहार में एक नरसंहार हुआ था जहानाबाद में जिसमें 58 लोग मारे गए थे और उसमें जब फैसला आया तो सारे के सारे लोग बरी कर दिए जाते। 19 साल के बाद विष्णु नाम का एक व्यक्ति जो ललितपुर का रहने वाला था उसको हाई कोर्ट से रिहा किया जाता है, निर्दोष साबित किया जाता है, 19 साल इसमें लग जाते हैं। मान्यवर, ये तमाम ऐसे मामले हैं। 23 साल के बाद मिर्जा नासिर हुसैन कश्मीर का एक व्यक्ति, 23 साल के बाद उसको निर्दोष साबित किया जाता है और उसको रिहा किया जाता है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा न्यायालयों का गठन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जजेस की नियुक्ति कीजिए, जिससे कि ये वर्षों वर्षों यानी कि तारीख पे तारीख मिलने वाली जो कहानी है इस पर विराम लग सके और लोगों को जल्दी न्याय मिले, न्याय के प्रति लोगों के मन में आस्था पैदा हो। गरीब आदमी के पास मान्यवर न्यायालय का खर्च उठाने की ताकत नहीं है, वो बीवी का गहना बेच के, घर का गेहूं बेच के वकील की फीस देता है मान्यवर, और उसको तारीख पे तारीख मिलती रहती है, वर्षों तक उसको इंतजार करना पड़ता है। 35 साल तक एक व्यक्ति को अयोध्या की जेल में रखा गया, जिस धारा में वो बंद किया गया था, उस धारा के अंदर जितनी सजा होती है उससे 10 गुना ज्यादा सजा काटता है वो, और उसके बाद उसका बेल बॉन्ड भरने वाला कोई नहीं था, उसको 35 साल के बाद रिहा किया। ये हिंदुस्तान के न्यायपालिकाओं से मिलने वाले न्याय की हकीकत है मान्यवर। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज जुडिशरी के प्रति जो आपने कदम उठाए हैं उसमें कुछ कदम और उठाइए, जिसकी चिंता तमाम माननीय सदस्यों ने यहां पे जाहिर की कि न्यायालय की निष्पक्षता होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर एक न्यायाधीश को तुरंत जैसे ही वो रिटायर होता है उसको किसी बड़े पोस्ट मिलने का उसके मन में ख्वाहिश रहेगी, इच्छा रहेगी, तो वो कतई अपने पद पर बैठ के पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाएगा, उसके न्याय को कहीं ना कहीं शक और आशंका की दृष्टि से देखा जाएगा मान। इसलिए आप उनके रिटायरमेंट की आयु सीमा भी बढ़ा दीजिए,
और मैं तो यहां तक कहता हूं कि उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के साथ साथ एक नियम बनाइए कि रिटायरमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के ऊपर कम से कम यह नियम लागू हो कि रिटायरमेंट होने के बाद 65 की जगह उनको 70 साल में रिटायर कीजिए, लेकिन 5 साल तक उनको किसी भी दूसरे पद पर अपॉइंट ना किया जाए, तो कम से कम उनका जीवन आराम से बीत जाएगा और उनके किसी भी निर्णय पर सवाल नहीं उठेगा। अब न्यायालयों के इंतजाम के बारे में बात करते हैं। मान्यवर, हमारे कई साथियों ने यहां पर कहा, मैं दिल्ली का सांसद हूं, दिल्ली के कोर्ट के अंदर जहां पर हत्या के मामले में न्याय पाने के लिए जाता है आदमी, मान्यवर, उस न्यायालय के अंदर, उस कोर्ट के अंदर हत्या की घटना हो रही है, गैंग वार हो रहा है वहां पर। मान्यवर, अगर न्यायालयों के इंतजाम की बात करें तो जॉली LLB फिल्म एक आई थी मान्यवर, उसको देखने से अंदाजा लग जा सकता है कि न्यायालयों में क्या हालत है आज, कितना बढ़िया इंतजाम है। जहां लिखा रहता है थूकना मना है वहीं पे थूकते हैं लोग, मोमबत्ती में जज काम करते हैं सर, मोमबत्ती में, टॉयलेट्स की हालत अभी बता रहे थे। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाया, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 42 नए कमर्शियल कोर्ट दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया, 22 पॉस्को के कोर्ट हमने बनाया, 180 एडिशनल कोर्ट रूम हमने बढ़ाए दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने, 200 करोड़ रुपए हाइब्रिड कोर्ट्स के निर्माण के लिए हम लोगों ने खर्च किया, और दिल्ली की सरकार पहली सरकार है मान्यवर जिसने अधिवक्ताओं के लिए एक ऐसी स्कीम लागू की जिसमें 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस उनके परिवार के लिए, ये हमने दिल्ली में करके दिखाया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग न्यायालय में बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, सालों साल चक्कर काटते हैं, यहां पे मंत्री जी भी बैठे हैं और हमारे MAOs भी जो हैं, SP सिंह बघेल साहब, वो एक बहुत अनुभवशील व्यक्ति हैं, और मैं इस आधार पे इस बात को कह रहा हूं कि वो पुलिस के भी अधिकारी रहे और प्रोफेसर भी रहे, यानी पुलिस के अधिकारी रहते हुए उन्होंने न्याय व्यवस्था को करीब से देखा और न्याय की पढ़ाई भी की प्रोफेसर के तौर पर। उन्होंने लंबे समय तक सांसद रहते हुए गरीब के दर्द को भी देखा है, समझा है, एक अच्छे व्यक्ति है, अच्छा विभाग उनको मिला है। आज जो बड़े परिवर्तन के लिए लंबे समय तक हम लोग लड़ते आए हैं उसको कुछ करने की जरूरत है। आप अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे अलग हैं, हम सबसे अलग करके दिखाएंगे, आप वही काम रिपीट करते हैं, दूसरों का उदाहरण देने लगते हैं। सर, वो उदाहरण देना बंद कीजिए। आपने एक ऐसे व्यक्ति का यहां पे चुनाव कर दिया जिसके पक्ष में अभी आप लोग खड़े हो गए थे मान्यवर, वो संसद सदस्य गोगोई जी, मैं नाम लेके कह रहा हूं, वो आप नाम नहीं ले, सर्वोच्च सदन नहीं, सर, नहीं, आपका भी अपमान रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, सर, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, मैं ये कह रहा हूं सर, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इस सर्वोच्च सदन के बारे में किसी को नहीं जाएगा संजय, चलिए उनका नाम काट दीजिए। इस सर्वोच्च सदन के बारे में किसी को भी अपमानित शब्द बोलने का अधिकार नहीं है, वो कोई भी हो आप, अच्छा, आप इस सदन, मैं नाम नहीं ले रहा हूं संजय सिंह जी, मैं सर नाम नहीं ले रहा हूं। अभी आपने माननीय मंत्री जी की तारीफ की है, मंत्री का अच्छे कानून का मंत्रालय, मैं मंत्री जी को नहीं बोल रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं एक माननीय सदस्य के बारे में बोल रहा हूं जिसको आप भी जान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस सदन के अंदर हमारे भाजपा के भी मित्र भी बैठते हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठते हैं, हम भी विपक्ष के सांसद बैठते हैं, आप भी सर बैठते हैं उस कुर्सी पर। इस संसद का अपमान करने का अधिकार सर किसी को नहीं है, इसलिए जब भी वो इस सदन में आए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, सदन के सदस्य, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए सर धन्यवाद। आप, मैं खत्म कर रहा हूं, आप समाप्त कीजिए, अंत में खत्म कर रहा हूं सर, मैं ये कहना चाहता हूं सर, न्याय, थैंक यू, इस देश की करोड़ों जनता को भी चाहिए न्याय, हम सबको भी चाहिए, और न्याय हमारे 12 वो सांसद जो बाहर बैठे हैं। थैंक यू संजय सिंह जी, क्रिकेट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.